वेलकम टू द आशिमा शो। पहले 22 मार्च को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाना और अब रात को 9 बजे 9 मिनट तक घर की बत्ती बुझा के दिया मोमबत्ती या टॉर्च चलानी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्या है मोदी जी का इन चालों के पीछे छुपा राज? मोदी के इस एक कदम से क्या सच में देश भर में पावर ग्रिड फेल होने का खतरा पैदा हो सकता है? और कहीं इसके चलते आपके घर के टीवी एसी फ्रिज तो नहीं फूक जाएंगे? इस वीडियो में बताऊंगी और भी इस इवेंट से जुड़ी खास बातें। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। देश भर में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गरीब लोगों को भूखे पेट की चिंता है, करोड़ों लोगों को व्यापार ठप होने की वजह से अपने रोजगार की चिंता है। लेकिन इन सब परेशानियों के चलते इस लॉकडाउन की इम्पोर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। लोग आपस में मिलेंगे नहीं तो कोरोना फैल भी नहीं पाएगा। इस निराशा को दूर करने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं जो इन परेशानियों को झेल रहे हैं, मोदी जी का ये एक यूनिटी इवेंट है। क्योंकि रात को लोग जब अपने घरों की छत पे बालकनी में दिए मोमबत्ती टॉर्च लिए घरों से निकलेंगे तो लोगों का मॉरल सपोर्ट बढ़ेगा, उन्हें हिम्मत मिलेगी 10 दिन और इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने की और कोरोना को हराने की। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने भी साफ किया है कि आपको घरों से बाहर नहीं आना है, कहीं पिछली बार की तरह रोड पे इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े के साथ गरबा करने ना निकल दे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। कुछ लोग इसके एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मायने भी निकाल रहे हैं कि 9 नंबर मार्स यानी कि मंगल ग्रह का नंबर है, जिससे लड़ने की क्षमता आती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और वहीं व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस भी वायरल हो रहे हैं कि दीप टॉर्च मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न होने वाली गर्मी कोरोना को मार देगी। लेकिन अभी के लिए ये सब लोगों द्वारा घड़ी कहानियां ही है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इसके चलते एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। कहीं जैसे ही देश भर में लोग 9 बजे अपनी लाइट्स बंद करेंगे और फिर 9 मिनट बाद एकदम से लाइट्स ऑन करेंगे तो भारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण कहीं पावर ग्रिड तो फेल नहीं हो जाएगी? देश के तमाम इलेक्ट्रिक इंजीनियर परेशान हैं, कहीं इसके कारण आपके घरों के महंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी फ्रिज एसी तो नहीं फूक जाएंगे? इसका हल निकालने में जुटे हुए हैं। आमतौर पर देश भर में 1,75,000 मेगावाट बिजली की खपत होती है और अब लॉकडाउन के चलते जैसे सब इंडस्ट्रीज बंद हैं तो वैसे ही बिजली खपत 30% तक कम हो गई है। 1,30,000 मेगावाट के करीब ही खपत है। देश में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पूरा देश भर में लोग अपनी लाइट्स बंद कर देंगे तो इसके चलते 10,000 से 13,000 मेगावाट बिजली की कमी होने की आशंका है। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी कैनॉट बी स्टोर्ड, इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। मतलब जितनी मैन्युफैक्चर होगी उतनी ही खर्च होनी भी जरूरी है। तो क्या ट्रांसफार्मर्स पावर ग्रिड इस पावर फ्लक्चुएशन को झेल पाएंगे? इसका सबसे बड़ा खतरा देश भर के इमरजेंसी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है उन पे पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए बिजली विभाग के इंजीनियर्स ने कुछ उपाय निकाले हैं। एक तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए देश भर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज कार्यरत रहेंगे, तैनात रहेंगे, किसी को कोई छुट्टी नहीं है, ताकि अगर किसी एरिया में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसे निपटा जा सके। दूसरा, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक बिजली की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा। इसके लिए तय किया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की क्षमता को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा ताकि एकदम से बिजली की खपत में कमी ना आए। हालांकि थर्मल प्लांट्स चलते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में करीब 55% बिजली थर्मल प्लांट से जनरेट होती है, 13% के करीब हाइड्रो से और बाकी की सोलर, विंड और गैस से। तीसरा, सरकार का कहना है कि केवल लाइट्स ही बंद होंगी, घर के बाकी अप्लायंसेस चलते रहेंगे, रोड्स की स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहेगी तो इतना असर नहीं पड़ेगा। और सरकार की अपील भी है कि केवल लाइट्स बंद करें, एसी, फ्रिज, टीवी चालू रखें ताकि ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अभूतपूर्व है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है और पावर ग्रिड फेलियर को बचाए रखना एक चुनौती तो जरूर है। इससे निपटने में आप सहयोग दे सकते हैं। 9 मिनट बाद एकदम से लाइट्स ऑन ना करें, 5 से 10 मिनट का फासला रखेंगे तो पावर ग्रिड इस शॉक को झेल पाने में सक्षम होगी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।